एग्जिट पोल के नतीजों में इस बार मोदी सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने एग्जिट पोल का स्वागत किया है तो वहीं कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने एग्जिट पोल का स्वागत किया है। जाहिर सी बात है, एनडीए को तो बढ़त दिखाई दी गई है एग्जिट पोल में, लेकिन कांग्रेस ने खारिज कर दिया एग्जिट पोल को। वो अभी भी मान रही है जो एग्जिट पोल है इससे इतर हो सकते हैं नतीजे। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही हो सकता है, तो नतीजों के बाद ही साफ होता है। लेकिन एक तरह से अगर एग्जिट पोल पर नजर डाले तो एनडीए को ही उसने बढ़त दी है, जिसके बाद कांग्रेस में जरूर खलबली मच गई है और कांग्रेस ने खारिज कर दिया एग्जिट पोल को। उम्मीदें अभी भी बरकरार है कांग्रेस की, इंतजार वाकई 16 तक का ही है। महज 3 दिन बाकी है और 3 दिन में साफ हो जाएगा कि नई सरकार किसकी, कौन चलाएगा देश, कमान किसके हाथों होगी। बीजेपी ने कहा है कांग्रेस में निराशा है। उन्होंने कहा कि यदि कभी कांग्रेस को जीत मिलती है तो इसका श्रेय गांधी परिवार को जाता है, लेकिन यदि कांग्रेस हारती है तो सामूहिक जिम्मेदारी की बात की जाती है। कांग्रेस शुरू से ही निराशा के मूड में गाली गलौज की राजनीति पे उतर आई थी। एग्जिट पोल के दर्शन के बाद उन्हें सूझबूझ आने के बजाय उनका गुस्सा और फूटा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि बीजेपी के तरफ और मोदी के तरफ जो भी गाली उन्होंने फेंकी है उसका फूल होकर हमारे पास आया है और उससे उनकी 5 से 10 सीटें हर गाली के साथ मिटती है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि बस 72 घंटे का इंतजार बाकी है। मैटर ऑफ ओनली 72 आवर्स। एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द रियलिटी, बट इफ दे डोंट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द एग्जिट पोल दे विल हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑन द 16th। एनसीपी ने कहा है अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही निकलते हैं तो ये यूपीए के लिए गंभीर बात है और इस पर मंथन होना चाहिए। अगर एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए तो ये चिंता का विषय जरूर है हम लोगों के लिए, यूपीए के लिए एज ए होल। और हम ये कह सकते हैं कि जो भी पब्लिक का डिसीजन है, जो निर्णय है, उस वर्डिक्ट को मानना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और फिर उसके बाद उस पर मंथन होना चाहिए कि कहाँ हमसे कमी रह गई, क्या कारण रहे कि हमको ये हार का मुंह देखना पड़ा। और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा है कि पहले भी ऐसे एग्जिट पोल झूठे साबित होते रहे हैं। इस तरीके के एग्जिट पोल हमने अटल जी के वक्त में, जब इंडिया शाइनिंग का नारा बीजेपी ने दिया था, उस समय भी देखा था। इसी तरीके का एग्जिट पोल हमने 2009 में भी देखा था। तो इस तरीके के एग्जिट पोल पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि ये पहले भी गलत साबित हो चुके हैं और अब तो 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद सारी स्थितियां खुद ही सामने आ जाएंगी। बहरहाल सर्वे भी आ चुका है, चूंकि मार्केट पर अगर देखें तो असर होना शुरू हो चुका है। निफ्टी और स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये निफ्टी और अगर देखें सेंसेक्स तो कल रिकॉर्ड छूता नजर आया था। ये आप देख रहे हैं जो सर्वे आया है एग्जिट पोल। बीजेपी को 46 सीटें मिलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो 8 सीटें ही दे रहा है ये सर्वे, यानी कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत अगर एग्जिट पोल पर नजर डालें तो। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं इसी विषय पर बातचीत करने के लिए। पीके जैन है, पूर्व अध्यक्ष हैं आप यूपी स्टॉक एक्सचेंज के, और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार सुनीता जी। के विक्रम राव जी, सवाल आपसे शुरू करना चाहती हूं। बौखलाहट नजर आने लगी है इस एग्जिट पोल के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं राहत एनडीए के लिए जरूर, अगर ये एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित हो जाता है तो। श्वेता, ये तो अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी नजर है। 2004 में जब ये देख रहे थे कि इंडिया शाइनिंग चमक रहा है, बीजेपी सत्ता में दोबारा लौटेगी, तब ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस ही खुश हो गए, बीजेपी नाराज हो गई एग्जिट पोल पे। आज वही स्थिति हो रही है,
चूंकि प्रकाश जावड़ेकर बड़े प्रसन्न हैं, उनके पक्ष में जाना है तो कह रहे हैं और इससे बेहतर होंगे। और उधर कांग्रेसी जो तब खुश थे अब नाराज है, परेशान है। तो ये तो समय समय की बात है श्वेता, लेकिन एक चीज है, ये जो तीनों एग्जिट पोल हुए हैं इनमें वेरिएशन बहुत है, विषमता बहुत है। जैसे गौर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे हैं एनडीए से अलग कीजिए, एनडीए को तो 320 दे रहे हैं कुछ लोग, बिल्कुल बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी को 290 दे रहे हैं कुछ लोग। अमित शाह ने कहा है आज थोड़ी देर पहले कि भारतीय जनता पार्टी को 250 सीटें अपने तय मिलेंगी, अपने आप 250 सीटें, अर्थात अमित शाह के अनुसार 22 सीटों के इंतजाम करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के लिए, ताकि सरकार स्थिर बन सके। अभी 22 सीटें कहां से आएंगी, वही तेलुगु देशम है, अकाली दल है, शिवसेना है, इन्हीं से मिलेगी। तो ये स्थिर सरकार देने के लिए स्थायी मित्र बने रहेंगे, ये प्रश्न है श्वेता। जी बिल्कुल, इस पे बात भी करेंगे, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश को इसी बात की उम्मीद भी है कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस होने के लिए स्थितियां भी वैसी ही बने। तब पीके जैन जी, सवाल ये हो जाता है कि अगर हम देखें तो कल ही मार्केट में वो उछाल और वो उम्मीदें देखने को मिल गई जो शायद 5-6 साल पहले नजर आई थी। स्टॉक अगर हम सेंसेक्स की बात कर लें, निफ्टी की बात कर लें, तो रिकॉर्ड टच हो गए थे। ये माने कि जो स्थितियां ये बन रही हैं मार्केट में, एक पूर्वानुमान करते हुए ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट दे देंगी देश की अर्थव्यवस्था में, स्थिरता की जो जरूरत है वो अब नजर आएगी। देखिए, शेयर मार्केट ये मान के चल रहा है कि एनडीए की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बनने जा रही है, और इस बात की डिस्काउंटिंग शेयर मार्केट 16 तारीख का इंतजार किए बिना इस बात को मान लिया है, कंफर्म कर लिया है। शेयर मार्केट में जो ऑपरेटर होते हैं उनके अपने भी सूत्र होते हैं, उनका अपना भी ग्राउंड रियलिटी से एक संपर्क होता है, उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। और जो एग्जिट पोल आए हैं वो विभिन्न एग्जिट पोल कम से कम इतनी बात तो दर्शाई रहे हैं कि 249 से लेकर 333 330 तक की सीटें दिखाई जा रही हैं, तो सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। शेयर मार्केट के लिए आवश्यक है कि एक स्थिर सरकार बने जो निर्णय ले सके, जो देश के हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में कार्य कर सके, जिसकी कि पिछली सरकार में कमी थी जी। तो बाजार ने यह मान लिया नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, स्थिर सरकार बनेगी, और वो देश हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में निर्णय लेंगे। उसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं बाजार में इतनी बड़ी तेजी आ गई है, पहले से ही सेंसेक्स नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, आपके सामने है 24,000 से ऊपर का सेंसेक्स चल रहा है, और लगभग 7200 की निफ्टी हो रही है। और मैं समझता हूं ये 16 तारीख आते आते 16 तारीख के बाद जब ये निर्णय इसी के अनुरूप आएंगे तो ये बाजार बढ़ करके और सेंसेक्स 25,500 तक और निफ्टी 76,500 तक पहुंच सकती है। बिल्कुल प्रोफेसर, एक ही कॉल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वाराणसी से, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लग रहा है जो अब एग्जिट पोल आए हैं देश को 5 साल के लिए स्थिर सरकार मिलने जा रही है? देखिए, एग्जिट पोल चाहे किसी के चैनल का हो, ये दिखा रहा है कि एनडीए इज गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट। इसके पीछे हमारा एक राय भी थी जो आपने हमेशा डिस्कस भी कर लिया है, अगर आपके पास लीडरशिप नयापन है जो मोदी जी ने दिया था और केजरीवाल में था, लेकिन मोदी जी के पास एक बेस थी, एक कैडर था, एक संरचना थी जो केजरीवाल जी के पास नहीं था, और लोग चाह रहे थे स्थिरता गवर्नेंस के लिए, सर्टेनिटीज बने रहे, स्थिरता बने रहे और जो असर्ट कर सके। मुझे लग रहा है तीनों चीजें बिल्कुल लग रही है, बिल्कुल एक उनकी नजर और किरण मौजूद है, मुझे लग रहा है कि स्थिरता आ जाएगी। जी बिल्कुल के विक्रम राव जी, एक बात ये देखिए, स्थिरता का सवाल तो बड़ा है ही है, लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव हुए हैं, जो एक ट्रेंड अपनाया गया राजनीतिक दलों की ओर से युवाओं को आकर्षित करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, पॉलिसीज हो, हर एक चीज में ये कोशिश हुई कि भाई ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, क्योंकि लोग यही मांगते भी हैं। आपको ये लगता है फंक्शनिंग में भी बहुत जबरदस्त बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि जो देश की जनता है वो घिसे पिटे रवैये से ही आगे बढ़ने को तैयार नहीं है? बिल्कुल श्वेता, जरा आकांक्षा और यथार्थ में हम लोग तुलना कर लें। आकांक्षा होगी नया नेतृत्व होगा,
और सुलझे आदमी है नरेंद्र मोदी, गुजरात चला चुके हैं वगैरह वगैरह, ये अलग बात है। यहाँ प्रश्न ये है कि क्या स्थिर सरकार दे पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 1996 बनाया था 13 दिन की सरकार थी, फिर सत्ता में दोबारा आए, बहुमत था, समर्थन था, अचानक जयललिता ने ड्रामा किया, समर्थन ले लिया, एक वोट से सरकार गिर गई, फिर आए 2004 तक चले, लेकिन तब ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय नहीं कर पाए जो चाहते हुए करना वो, क्योंकि तब कोई न कोई नाराज हो जाता। उमर अब्दुल्ला उनके काबीना में थे, अटल बिहारी वाजपेयी के विदेश राज्य मंत्री थे, छोड़ के भागे, कहां हैं वो आज। तो स्थिरता परिभाषित होती है सामयिक मर्यादाओं के लिए और उस वक्तीय आवश्यकताओं के मुताबिक। आज चंद्रबाबू नायडू आएंगे, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू की वैचारिक शुद्धता क्या है, वो यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर थे, एनडीए के कन्वीनर थे, उसी प्रकार जयललिता देखने दोनों प्रयोग होती। अब रामविलास पासवान मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के, छोड़ के चले गए तथाकथित सुप्रीतम के नाम पे, फिर लौट आए। तो इनकी वैचारिक शुद्धता किसकी है सिवाय भारतीय जनता पार्टी की और कम्युनिस्टों के, दो ही की वैचारिक शुद्धता होती है जो प्रतिबद्ध होते हैं विचारधारा प्रति, और कोई पार्टी भारत में प्रतिबद्ध नहीं है, नेहरू की कांग्रेस भी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध पार्टियां साथ नहीं आएंगी तो स्थिरता पे सवालिया चिन्ह लगा रहेगा। श्वेता बिल्कुल, पीके जैन जी एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर अभी हम मार्केट को देखें तो वो उछाल तो जबरदस्त उछाल नजर आता है, उम्मीद तो यही है कि आगे भी यही बना रहे, लेकिन अगर अभी की स्थितियों को देखते हुए एक लॉन्गर टर्म की हम बात करें मार्केट में ही, तो आपको ये लगता है जो एक तरह से अभी तो सारी चीजें प्री एज्यूम करके चली जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है, चलिए अगर वैसा होता है तब तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर उससे थोड़ा भी इधर उधर होता है तो मार्केट में किस तरह से और ज्यादा नयापन आ सकता है, या यूं कहें कि जो रफ्तार है वो क्या धीमी भी पड़ सकती है? श्वेता जी ऐसा है कि अगर एक मजबूत स्थिर सरकार मोदी जी के नेतृत्व में नहीं बन पाई, जो नंबर उनको चाहिए वो नहीं मिले किसी कारण से, तो निश्चित रूप से जो आर्थिक नीतियां उनको लागू करनी थी और ये आर्थिक नीतियां पिछली सरकार की नीतियों से हटकर होंगी, नई होंगी, तो उस परिस्थिति में उनके नहीं लागू होने पे शेयर बाजार में जो तेजी आई है वो कायम नहीं रह सकती और वहां से निश्चित रूप से वापस मंदी का वातावरण बन सकता है। और अगर एक अच्छे नंबर के साथ स्थिर सरकार बनती है तो ये आप मानिए कि आगे 3 वर्षों तक शेयर मार्केट में बहुत अच्छी तेजी कायम रहने वाली है। ये निश्चित रूप से अपने उतार चढ़ाव के साथ आती है, एक तरफा नहीं आती, बिल्कुल, बहुत से इसमें कारण बनते हैं, लेकिन एक स्थिर सरकार की अत्यंत आवश्यकता है, जो मजबूत नंबर उनको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, एक बात और मैं पीके जैन जी समझना चाहूंगी कि देखिए इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं मार्केट में, हर दिन एक इन्वेस्टमेंट नए तौर पर ही होता है मार्केट की कंडीशंस को देखकर, ऐसे में अगर अभी जो मार्केट चल रहा है इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता है, सोच लेता है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो क्या इसे पूरी तरह से ठीक माना जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों का ही पैसा है, तो एक राइट डायरेक्शन तो होना ही चाहिए। श्वेता जी ऐसा है कि अभी जो इन्वेस्टर है, हाँ, यदि वो लॉन्ग टर्म व्यू लेके मार्केट में आवे 2-3 साल के इन्वेस्टमेंट का, तो वो अभी भी इन भावों पे भी निवेश नया कर सकता है, लेकिन अगर उसका व्यू शॉर्ट टर्म का हो तो अभी बाजार नीचे से काफी ऊपर आ चुका है, ये 6300-6400 के जो लेवल थे निफ्टी के, जी जी जी, उससे क्रॉस करके ये 7200 की निफ्टी हो चुकी है, तो ऐसा मानना है कि ये 7400-7600 की निफ्टी होके और वहां से एक करेक्शन लेगा बाजार। करेक्शन जब आवे कायदे से निवेशक को वहां पे एंट्री करनी चाहिए, हाँ, वो सबसे अच्छा और निवेश का पॉइंट होगा। और भारतीय निवेशक अभी पिछले 1.5 साल से लगातार शेयर बाजार से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने निवेश का कोई रिटर्न नहीं मिला, बल्कि उनके निवेश में घाटा लगा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाओं के बीच आसार है कि वर्तमान आर्थिक नीतियों को बरकरार रखा जाएगा।
नरेंद्र मोदी ये संकेत दे चुके हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सहयोग का रवैया रहेगा। साथ ही उन्होंने निवेशकों को लुभाने के भी संकेत दिए हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाओं के बीच आसार हैं कि वर्तमान आर्थिक नीतियों को बरकरार रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी ये संकेत दे चुके हैं कि चुनाव बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सहयोग का रवैया रहेगा। एक इंटरव्यू में मोदी कह चुके हैं कि चुनाव के दौरान विरोधियों पर कड़ी भाषा का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के परिपक्व नेता साथ काम करने की अहमियत को समझते हैं। यूपीए के 10 साल के शासन के दौरान फूड सिक्योरिटी बिल, भूमि अधिग्रहण बिल और लोकपाल बिल जैसे मुद्दों पर सरकार का साथ देने का हवाला मोदी दे चुके हैं। हालांकि मोदी ने स्वीकार किया है कि फिलहाल अर्थव्यवस्था की जो हालत है उसे सुधारना एक चुनौती होगी। इस देश में 10 साल का प्रधानमंत्री का परफॉर्मेंस ये है कि वो 1100 बार बोले थे। अब मुझे बताइए भैया, इस देश को कौन बचाएगा? मोदी के मुताबिक निवेश के माहौल की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता होगी। मोदी ने कहा कि वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। मोदी चाहते हैं कि ऐसा कोई मैसेज न जाए कि सरकार के स्तर पर फैसला लेने में किसी भी तरह की कोई मुश्किल या असमंजस है। मोदी जानते हैं कि ऐसा होने पर विदेशी निवेशकों समेत तमाम निवेशकों के भरोसे पर बुरा असर पड़ता है। आज जो हमारे देश में संकट पैदा हुआ ना, वो भरोसे का संकट है। विश्व के देशों को कोई गुजर हिंदुस्तान पसंद नहीं, ऐसा नहीं है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार की नीतियों में उतार चढ़ाव, कभी आगे कभी पीछे, इन चीजों ने उनको उलझन में डाला है। अगर हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। मोदी का ये मानना है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर विफल इसलिए रहे क्योंकि उनके पास ना तो पर्याप्त अधिकार थे और ना ही उन्हें खुलकर काम करने की आजादी दी गई। एफडीआई पर भी मोदी ने लचीले रुख का संकेत दिया है। मोदी ने कहा कि पार्टी को मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को लेकर आपत्ति है, लेकिन जहां भी हमें लगेगा कि एफडीआई से युवाओं के लिए रोजगार पैदा होगा वहां हम इसे बढ़ावा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम। तीनों खास मेहमान हमारे साथ हैं, प्रोफेसर के कॉल के पास जाएंगे। प्रोफेसर का कॉल, अभी आपने रिपोर्ट देखी होगी, एक बात देखें तो शुरुआत से ही मोदी भले ही अपने भाषणों में वो जो भी बोलते रहे हो, वो ये चूंकि राजनीति है, ऐसे में जरूरी है ही है कि अपने आप को आप दिखाएंगे श्रेष्ठ और दूसरे की खामियों को निकालने की कोशिश होती है, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो मोदी भी अच्छी तरह भाप रहे हैं, समझ रहे हैं कि बिना सहयोग के आगे चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हर बात पे विरोध होगा तो देश को किस दिशा में ले जाया जाएगा। देखिए, देश बहुत बड़ा है और इसका केंद्र का होना, मजबूत होना बहुत ही अहम बात है। वो केंद्र तभी मजबूत हो सकता है जब आप अपोजिशन को साथ ले सकते हैं, और मोदी जी बखूबी जानते हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, ज्यादा मतभेद नहीं होगा उसमें। सिर्फ ये जरूर है कि मैं एक बात बताऊंगा, मोदी जी के वक्त लोग ये कहा करते थे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में पंच नहीं है, और जो आप टीवी पर लोग बैठते थे वो कहते हैं कि बाकी के देश कहते थे कि इंडिया तो बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करता है, लेकिन आम जब आदमी बैठते एकेडमिकली बैठे थे, देश विदेश में जो प्रोफेसरान बैठे थे, चाइना के हो, पाकिस्तान के हो, वो कह रहे हैं इनमें पंच नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मोदी उस डायकॉटमी को, उस बाइनरी को दूर करेंगे।